हाँ भाई, तो हम एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। हमने एक टाइप की टिश्यू जो है वो डिस्कस कर ली, काफ़ी लंबी हो गई थी। बाकी तीन टाइप जो हैं वो रह गई हैं, इनको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सेकंड टाइप के जो एनिमल टिश्यूज़ हैं, एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ना, कनेक्टिव टिश्यू का एक मेन फंक्शन जो होता है वो ये है कि ये कनेक्ट करते हैं, ये बाइंड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को। इन्हें इसी वजह से इन्हें नाम दिया जाता है कनेक्टिव टिश्यू का। तो या तो ये कनेक्ट करने के काम आते हैं, या ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के काम आते हैं। जैसे कि आपने शायद टेंडन्स का नाम सुना हो। हमारे पास जो टेंडन्स होते हैं, ये हमारे पास एक बोन है, ठीक है, ये हमारे पास एक बोन है। इस बोन के ऊपर जो है ये मसल मौजूद है, ये मसल है। तो मसल जो है वो बोन से अटैच होता है, ठीक है, यहाँ से अटैच होगा और यहाँ से अटैच होगा, दोनों एंड से। तो मसल जो है उसका जो मस्कुलर पार्ट होता है वो यहाँ तक होता है। इसके जो एंड्स होते हैं वो बारीक बारीक से फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं ये, वाइट कलर के। इनको हम नाम देते हैं टेंडन्स का। तो ये टेंडन्स होते हैं बेसिकली जो इस मसल को इस बोन के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो सबसे पहली जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जो कि जिसे हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं कभी कभी। कार्टिलेज बेसिकली होता ये है कि इसे हम सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होता है। ग्राउंड सब्सटेंस, एक तो इसके अंदर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं, जो कि कार्टिलेज के अपने सेल्स होते हैं। और दूसरा, वही सेल्स जो हैं वो एक तरह का मटेरियल सीक्रेट करते हैं जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। अब ये ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर होता यह है कि कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, जो कि कुछ सेमी सॉलिड सब्सटेंस जो होता है, कुछ जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, उसे होल्ड करके रखती हैं अपने अराउंड। तो बेसिकली अगर मैं कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये सेल होगा, ठीक है, ये सेल कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं, कुछ केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ करेगा, लाइक प्रोटीन वगैरह के केमिकल्स, और इसके अराउंड कुछ वाटर होगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये कार्टिलेज का होता है। इसको आप रिपीट कर दें हज़ारों करोड़ों बार तो ये आपके पास बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज जो है ये एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, लाइट नहीं है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद होता है, और इसकी अगर आप वो देखें कंसिस्टेंसी अगर आप देखें तो सेमी सॉलिड से लेकर फ्लेक्सिबल तक हो सकती है। अच्छा, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है आपकी बॉडी के अंदर? तो एयर का जो एक्सटर्नल एयर है आपके पास, ये जो कान का जितना भी हिस्सा है जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये सॉफ्ट है, ठीक है, ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसके अंदर अगर आप देखें तो सेल्स मिल जाएंगे आपको, कार्टिलेज के सेल्स मिल जाएंगे, और इसके अंदर आपको ग्राउंड सब्सटेंस मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो आपकी जो नोज़ है, नोज़ का जो दरमियान में सेप्टम होता है, यानी हमारे पास जो दो ओपनिंग्स हैं नोज़ की, हमारे पास जो दो ओपनिंग है नोज़ की, उनको डिवाइड करने वाली जो बीच की दीवार होती है, इसको हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। तो इस नेज़ल सेप्टम का कुछ हिस्सा जो होता है वो भी कार्टिलेज का बना होता है। पीछे वाला हिस्सा जो है इसका हड्डी का बना होता है, आगे वाला हिस्सा अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये सॉफ्ट होता है, तो ये कार्टिलेज का बना होता है। इसके अलावा कार्टिलेज मौजूद होती है जॉइंट्स के अंदर, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं, तो डिफरेंट जगह हैं जहाँ पर कार्टिलेज मौजूद होती है। तो कार्टिलेज इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सिमिलरली बोन इज़ अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, बोन जो है हमारे पास वो हार्ड होती है। बोन के अंदर जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स हार्ड हो जाते हैं। इवन कार्टिलेज के अंदर अगर आप ये डिपॉजिट कर दें, कार्टिलेज के अंदर भी अगर आप ये डिपॉजिट कर दें तो वो हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बोन जो है बेसिकली एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब बोन्स जो है उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट और एक को हम कहते हैं स्पंजी। तो आप किसी भी बोन को उठाकर देखेंगे तो उसका आपको एक आउटर पार्ट मिलेगा जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ नोन एज द कॉम्पैक्ट पार्ट। ये कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ होता है, ये हार्ड पार्ट होता है, ये डेंस पार्ट होता है, और इसके अंदर यूनिट्स होते हैं, उन्हें हम ऑस्टियॉन्स का नाम देते हैं, जिसे यहाँ पे हेवर्जन सिस्टम कहा गया है। तो ये ऑस्टियॉन्स होते हैं जिनके रिपीट होने से जो है ये कॉम्पैक्ट बोन बनती है, जो कि आउटर पार्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसका अंदर वाला हिस्सा देखेंगे, ये जो आपको एक हनीकॉम की तरह नज़र आ रहा है, यानी शहद की मक्खी के छत्ते की तरह नज़र आ रहा है, ये स्पंजी बोन होती है, इसे कैंसलस बोन भी कहते हैं। यही वो एरिया होता है जहाँ पर आपका जो बोन मैरो होता है वो स्टोर हुआ हुआ होता है, मेडलरी कैविटी, यहाँ पर ही आपका बोन मैरो स्टोर। तो ये दोनों जो है ये मिलकर आपकी कोई भी बोन अगर आप देखेंगे तो उसका आउटर पार्ट जो है वो आपको कॉम्पैक्ट बोन से बना हुआ नज़र आएगा, और जो इनर पार्ट है वो स्पंजी या कैंसलस बोन से बना हुआ नज़र आएगा। बोन के अंदर भी एक टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट कहते हैं। जिस तरह से कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स थे उन्हें हमने कहा था कॉन्ड्रोसाइट्स, तो बोन के अंदर बोन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो ऑस्टियो है, और कार्टिलेज के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो कॉन्ड्रो है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज में थे, और ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट जो है ये बोन के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर और हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू दिए हैं उसमें एक एडिपोज है और एक ब्लड है। एडिपोज हमारे पास वो कनेक्टिव टिश्यू है
जो एक तो कुशन के तौर पर बिहेव करता है और एक्सेस एनर्जी जो है और फैट को स्टोर करने के काम आता है। तो एडिपोज टिश्यू फैट टिश्यूज़ को कहते हैं, इसके अंदर सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये हमारे पास एडिपोज टिश्यू है, दिस इज़ ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर लार्ज सेल्स होते हैं जो कि फैट से भरे हुए होते हैं। फैट्स जो है हमारे पास एक्सेस एनर्जी जो है उसको स्टोर करने के काम आते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो फैट होता है, जब आपके पास बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, यानी ग्लूकोज वगैरह नहीं होता, ग्लाइकोजन नहीं होता, तो फिर बॉडी जो है वो फैट्स को तोड़ने लग जाती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ब्लड जो है, दिस इज़ ऑल्सो रेफर टू एज कनेक्टिव टिश्यू, और ये फ्लूड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, यानी इससे पहले जो थे वो फ्लूड नहीं थे, वो सॉलिड टाइप के कनेक्टिव टिश्यू थे, बट ये ब्लड जो है दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ फ्लूड टाइप, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि एक सिंगल फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ब्लड जो है आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज का काम करते हैं, गैस ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं लंग्स से टिश्यूज़ तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते हैं टिश्यूज़ से लंग्स तक। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं ये ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर हेल्पफुल होता है। तीसरे टाइप का जो टिश्यू है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो है उसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, यानी जिनके अंदर अपना साइज छोटा करने की जो एबिलिटी होती है, तो वो मस्कुलर सेल्स होते हैं, और उनसे मिलकर जो टिश्यू बनता है उसको हम मसल टिश्यू का नाम देते हैं, मस्कुलर टिश्यू का नाम देता है। हमारे पास तीन तरह के जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो हैं दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्राइएटेड, क्योंकि अगर आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको इस तरह की इसके अंदर जो है वो लाइंस नज़र आएंगी, धारियां नज़र आएंगी, इसी वजह से इसे हम कहते हैं स्ट्राइएटेड, या इसे स्ट्राइप्ड भी कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं ये वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी का मतलब ये है कि हमारे इख्तियार में होता है, यानी मेरे जो हाथ के मसल्स हैं वो मेरे इख्तियार में है, मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो इन्हें मूव करवाता हूँ। मेरे जो पैर के मसल्स हैं वो मेरे इख्तियार में है, मैं अपनी मर्ज़ी से इन्हें मूव करवाता हूँ। तो ये सारे के सारे मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं। तो स्केलेटल मसल्स वो हैं जो कि आपके स्केलेटन से अटैच हैं, आपकी बोन से अटैच हैं, या आपकी बॉडी की जो लेयर है, जो आपकी बॉडी की जो वॉल है, यानी जो मेरे मेरी एंटीरियर वॉल है, आगे की जो वॉल है मेरी, और जो मेरी पोस्टीरियर वॉल है, मेरा जो बैक है, उसके ऊपर जितने भी मसल्स हैं ये सारे के सारे मसल्स जो हैं ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कहलाते हैं। ना स्केलेटल मसल्स जो है मैंने बताया ये वॉलंटरी होते हैं, और इनको आप जो है वो ख़ुद से कंट्रोल करते हैं। तो मसल्स इन योर लेग एंड योर आर्म्स दे आर स्केलेटल मसल्स, ये आपके मुकम्मल इख्तियार के अंदर होते हैं। ना कार्ट इसके बरक्स जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स आपके वो मसल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी ये आपके इख्तियार में नहीं होते, इन्हें आप कंट्रोल नहीं करते। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। इनको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको धारियाँ नहीं नज़र आती, तो इन्हें हम कहते हैं अनस्ट्राइप या अनस्ट्राइडेड, इनके अंदर इस तरह की लाइन्स नज़र नहीं आती। अच्छा, अब स्मूथ मसल्स जो हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्लड वेसल्स के अंदर, आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर मसल की लेयर पाई जाती है, वो स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या ज़रूरत है वहाँ मसल की? तो आपको पता है शायद, ये अगर आपकी खून की नाली है और ये इसका डायमीटर है, यानी इस एरिया के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये मैंने ऐसे काटा है, ये नाली जा रही थी, मैंने इसका एक पीस काट के खीरे की तरह ये आपको दिखाया। तो ये जो नाली है इसका साइज़ बड़ा भी हो सकता है और इसका साइज़ छोटा भी हो सकता है। जो गर्म, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में हमारी जो स्किन है उसके अंदर जो खून की नालियाँ होती हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, ताकि ज़्यादा ब्लड इसके अंदर फ्लो हो। जब ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो हीट जो है ना वो हमारी बॉडी से बाहर जाएगी और अंदर बॉडी की हीट जो है वो कम होगी। सर्दियों में ये साइज़ कम हो जाता है ताकि कम ब्लड फ्लो हो। तो अब इस काम के लिए मसल की ज़रूरत है। तो इसके अंदर जो मसल है वो स्मूथ मसल है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से इन नालियों को बड़ा या कम छोटा नहीं करता, ये खुद से होते हैं, तो ये इनवॉलेंट्री है। इसके अलावा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एक बार आप खाना निगल लेते हैं तो फिर वो आपके इख्तियार में नहीं रहता, आप उसे कहीं पर रोक नहीं सकते कि भैया यहाँ पर खाना रुक जाए और आगे बढ़ना बढ़े, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो आगे बढ़ता है। फीमेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेबी डेवलप होता है, उसको यूट्रस का नाम देते हैं। तो उस यूट्रस के अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जब बेबी डेवलप हो जाता है तो खिंचाव शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो मदर के इख्तियार में नहीं होता। तो इसके अंदर भी स्मूथ मसल्स है। यूरिनरी ब्लैडर, हमारा जो ब्लैडर है जो कि यूरिन को स्टोर करने का काम करता है, जब वो भर जाता है तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं। तो ब्लैडर जो है वो, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन हमारे इख्तियार में नहीं है। अलबत्ता ब्लैडर जो है उसके बाद जो पाइप होता है जिसको हम नाम देते हैं यूरेटर का, ठीक है, सॉरी यूरिद्रा का नाम देते हैं। तो ब्लैडर की जो, ब्लैडर का जो एंड होता है वहाँ पर एक अदद मसल लगा हुआ होता है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये स्फिंक्टर जो है इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं जब भी ये ब्लैडर खाली नहीं होता, लेकिन इस ब्लैडर के अंदर जो मसल्स हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो वो स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है।
तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो अनस्ट्राइडेड होते हैं, वो इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होते। इसका मतलब ये है कि हमें डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो खाना है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आगे मूव करता है, हमें उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ना जो कार्डियक मसल्स हैं हमारे पास, ये तीसरी वैरायटी है कार्डियक मसल्स, नाम से पता लग रहा है कार्डियो जो है वो हार्ट को कहते हैं। तो कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ जो दिल की दीवार है, जो दिल बना हुआ है हमारा, उसकी जो दीवार है, उसकी जो वॉल है, उसके अंदर पाया जाता है। अच्छा, अब कार्डियक मसल्स के अंदर दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल की तरह अगर आप इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये आपको स्ट्राइडेड नज़र आएंगे, ठीक है, यानी इनमें धारियाँ नज़र आएंगी। लेकिन स्मूथ मसल की तरह ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। अगर आपका हार्ट जो है वो हमारे कंट्रोल में होता तो हमें हर वक्त जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता, और कभी अगर हम भूल जाते तो फिर ये हो सकता था कि डेथ हो सकती थी। तो हमारे अख्तियार में नहीं है, खुद ब खुद मूव करता है, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये कार्डियक मसल्स होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं, ये हमारे पास डायग्राम्स हैं। तो ये स्केलेटल मसल्स हैं जो स्केलेटन के साथ अटैच हैं। अगर आप इनमें देखें तो आपको ये धारियाँ नज़र आ रही हैं, स्ट्राइशंस नज़र आ रही हैं आपको इसके अंदर, यही स्ट्राइशंस आपको कार्डियक मसल्स के अंदर भी नज़र आ रही हैं। तो ये दोनों स्ट्राइटेड मसल्स हैं, बट फर्क यह है कि ये हमारे पास वॉलंट्री है और ये हमारे पास इनवॉलंट्री है। सिमिलरली ये स्मूथ मसल्स हैं, इसके अंदर कोई धारियाँ नज़र नहीं आ रही, ये भी हमारे पास इनवॉलंट्री की टाइप है। द लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है हमारे पास, ये दो तरह के सेल्स से मिलकर बनता है। एक को हम कहते हैं न्यूरॉन्स, जो कि मेन सेल्स होते हैं, और एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं दिए हुए। तो न्यूरॉन्स जो है हमारे पास, ये डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। किसी का काम होता है मैसेज को लेकर जाना, किसी का काम होता है ब्रेन से मैसेज को लेकर आना। खैर, तो नर्वस टिश्यू जो है हमारे पास वो न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है। अब ये जो नर्वस टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो भी नर्वस सिस्टम है हमारे पास उसके अंदर, लाइक ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये सेंटर है, ये भी नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है। इसके अलावा इनसे निकलने वाले जो वायर्स होते हैं जिनको आप नर्व्स कहते हैं, जाहिर सी बात है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो एक जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो मेरी उंगली है, उंगली तक आने के लिए, उंगली तक मैसेज आने के लिए कोई ना कोई वायर होता है जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा होता है, तो वो नर्व्स कहलाती हैं। तो नर्व्स भी बेसिकली नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती हैं। नर्वस टिश्यू का फंक्शन आपको बताया, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है उन्हें कंट्रोल करना, और एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करवाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई चीज़ जो है वो टेबल से उठाकर अपने मुंह तक लाना चाह रहा हूँ, तो मेरे जो हाथ के मसल्स हैं उनकी ना दो वैराइटीज़ हैं, एक वो हैं जो मेरे हाथ को फोल्ड करवाएंगे ताकि मेरा हाथ जो है वो चेहरे तक आ सके, और एक वो हैं जो मेरे हाथ को सीधा करवाएंगे ताकि मेरा हाथ चेहरे से दूर चला जाए। तो जिस वक्त मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ जो है वो मेरे मुंह तक आए, तो मैं चाहूँगा वो मसल्स जो कि हाथ को फोल्ड करवाने वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, और जो हाथ को फोल्ड नहीं करवाने वाले वो रिलैक्स करें। तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये भी नर्वस टिश्यू करवाता है। अच्छा, इसके अलावा नर्वस टिश्यू के क्या क्या काम है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ठीक है, बॉडी के अंदर अवेयरनेस, इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के हिसाब से अवेयरनेस क्रिएट करवाना, यानी आप कहाँ मौजूद हैं, बाहर का टेम्परेचर जो है वो कैसा है, बाहर की कंडीशन जो है वो कैसी है। इसके अलावा इमोशंस के अंदर रोल प्ले करना, हमारी मेमोरी को स्टोर करना, रीजनिंग, क्वेश्चनिंग जो है हमारी, ये करना, ये तमाम चीज़ें जो है ये नर्वस टिश्यू कंट्रोल करते हैं। नर्वस टिश्यू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जनरेट करते हैं जिसको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास नर्वस टिश्यू से बना हुआ पूरा नर्वस सिस्टम है। ये ब्रेन है ऊपर, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड चलती हुई आ रही है, और इनसे निकलने वाले ये जो फाइबर्स हैं इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये हमारे पास दो मेन टाइप के न्यूरॉन्स हैं, एक को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है कि जो मैसेजेस हैं उन्हें लेकर जाना। फॉर एग्जांपल, आपने मेरे हाथ पर अगर टच किया तो वो टच का जो मैसेज है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाना जो है ये सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक तरह के न्यूरॉन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। वो इंटर न्यूरॉन इस मैसेज को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसका जवाब तैयार करते हैं, और फिर एक और न्यूरॉन को देते हैं जिसका काम होता है दोबारा मैसेज को बॉडी तक लेकर आना। वो न्यूरॉन कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। ये हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो पोल से आपके पास पार्ट्स निकले हुए। न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक डेंड्राइट्स होते हैं जिनका काम मैसेज को रिसीव करके इस पार्ट तक लेकर आना होता है जिसको आप सेल बॉडी कहते हैं, और एक एग्जॉन होता है जिसका काम होता है मैसेज को यहाँ से लेकर जाना। खैर, ये डिफरेंट, ये बहुत डिटेल है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यूज़। ये एनिमल टिश्यूज़ की डिफरेंट वैराइटीज़ थी, आई होप समझ आया होगा।